श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं है और लोग बोलते हैं कि जमाना है। माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान हमेशा बदले की आग में जलते हैं। ये मत सोचो कि एक महीने या एक साल में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। किसी का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। मूर्ख इंसान से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या ना मरे, आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें हमेशा कड़वी। किसी की कदर करनी है तो जीते जी करो। मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी कह देते हैं कि इंसान बहुत अच्छा था। कभी भी उनकी बातों पर ध्यान मत दो जो पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं, क्योंकि इसका मतलब साफ है कि आप अभी भी उनसे दो कदम आगे हो। मेरी जिंदगी की तीन गलतियां, हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा किया, हर किसी की खुद से ज्यादा परवाह की, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। किस्मत और पत्नी भले ही परेशान करते हैं, लेकिन जब साथ देते हैं तो जिंदगी बदल जाती है। जिंदगी का मजा अपने तरीके से ही लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए जरूरी हो जाता है कि अगर हम उन्हें ना छोड़े तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ दे। श्री कृष्ण कहते हैं, धीरज रखिए। कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। सेहत के लिए योग और किसी जरूरत के समय दिया गया सहयोग, दोनों से जीवन बदलता है। कभी अकेले चलना पड़े तो घबराना मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। आप जो करना चाहते हैं वो कीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। मोमबत्ती को भी आखिर में ही पता चलता है कि उसे उस धागे ने ही खत्म किया है जिसको वो सीने में छुपाए रखती थी। केवल आज को देखकर किसी के कल का अनुमान लगाना संभव नहीं होता, क्योंकि ये समय बहुत बलवान होता है। छोटे छोटे खर्चों से हमेशा सावधान रहिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद बड़े से बड़े जहाज को डुबा सकता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद के जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर आपने हो तो संभालने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कद्र तभी करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वो बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। हे कृष्ण, और कोई माने या ना माने, मुझे यह विश्वास है, जब तक तुम साथ हो सब कुछ मेरे पास है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं, बल्कि छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूं, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं, ना तो ये मेरा आखिरी जन्म है और ना तुम्हारा आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है।
बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द है, और यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। पता नहीं जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं, इसलिए दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से झगड़ा करके इसे बर्बाद ना करें। जिंदगी में आप हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। किसी से बार बार नाराज होने से बेहतर है आप अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। दूसरों की छावों में खड़े होकर आप अपनी परछाई खो देते हो। अपनी परछाई को पाने के लिए आपको अकेले धूप में खड़ा होना पड़ेगा। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वो शब्द नहीं होती जो हमें सही साबित कर सके। सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सच दिल से निकलता है। हिसाब रखा करो, लोग बड़ी जल्दी पूछ लेंगे तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। झूठ भी कितना अजीब होता है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। कभी किसी का अपमान मत करो, आप शक्तिशाली हैं, ये अच्छी बात है, पर समय आपसे भी शक्तिशाली है। ये बात कभी मत भूलना, आपका भविष्य कैसा होगा ये इस बात से साबित होगा कि वर्तमान में आपकी दोस्ती कैसे लोगों से है। अंधेरे को हटाने में नहीं, दिए को जलाने में समय लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में समय लगाइए। जिंदगी का सबसे कड़वा सच, अच्छी चीजें आसानी से नहीं मिलती। अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो खुद को उसकी जिंदगी से दूर कर लो, क्योंकि वक्त खुद ही सिखा देगा उसे कदर करना और तुम्हें सब्र करना। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना जिंदा मेढकों को तराजू में तौलने जैसा मुश्किल काम है। एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, तब आपको कोई नहीं रुला सकता। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं कल वही लोग आपके मिसाल दें। रिश्तों का गलत इस्तेमाल मत करना, अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से याद बन जाना बेहतर है। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट उसकी फीलिंग को समझना और उसे रेस्पेक्ट देना है। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसले को चुनता है। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। मरने वालों को रोने वाले हजारों मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। बात कड़वी है मगर सच है, किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, और जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। अगर खुश रहना चाहते हो तो मतलबी लोगों को फोन से नहीं बल्कि जिंदगी से भी ब्लॉक कर दो। धोखा कभी नहीं मरता, आज आप दोगे कल आपको मिलेगा। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना ही पानी। हर एक रिश्ता एक मर्यादा होती है, एक लकीर होती है। अगर वो लकीर पार हो जाए तो उस रिश्ते की अहमियत खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटकना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। अपने मन और आत्मा से कर्म करें और प्रेम करें तो जीवन आनंदित हो जाएगा। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत।
एक जंगल में एक गर्भवती हिरनी थी। उसका प्रसव काल निकट आ गया था। वह एक नदी के किनारे घने झाड़ियों के बीच में चली गई, जो उसे सुरक्षित लगी। अचानक उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में काले बादल छा गई और बिजली कड़कने लगी, जिससे जंगल में आग भड़क उठी। उसने अपनी बाईं ओर देखा तो वहां एक शिकारी तीर का निशाना उसकी ओर लगाए हुए खड़ा था। उसने दाईं ओर देखा तो एक भूखा शेर उस पर घात लगाए हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। हिरनी सोचने लगी कि अब क्या करे। वह तो प्रसव पीड़ा से गुजर रही है। एक तरफ आग है, एक तरफ शिकारी और शेर भी उसकी तरफ आ रहा है, दूसरी तरफ नदी भी बह रही है। क्या मैं और मेरा बच्चा इन सबसे सुरक्षित रह पाएंगे? फिर उसने अपना सारा ध्यान अपने बच्चे को जन्म देने में लगा लिया, बाकी सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया। फिर जो हुआ आश्चर्यजनक था। बिजली कर कराने से शिकारी की आंखें चौंधिया गईं, तीर दूसरी ओर चल गया और जाकर भूखे शेर को लग गया। इसी बीच बारिश होने लगी और जंगल की आग बुझ गई। इधर हिरनी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। दोस्तों, कभी कभी ऐसी समस्याएं हमारे सामने आ जाती है, तब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता। इन विपरीत परिस्थितियों में नकारात्मक होने के बजाय हमें अपने काम पर सकारात्मकता के साथ लगे रहना है। पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर अपने दोस्तों में शेयर करें, साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करें। अतम में आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।